गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है सोइल। सोइल मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? सोइल इज़ द लेयर ऑफ रेदर लूज मटेरियल विच कवर मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ। जो सोइल है वो एक लूज मटेरियल की लेयर है जो लगभग अर्थ के ऊपर सभी जो रॉक्स हैं उनको कवर करती है। सोइल मतलब क्या है कि सोइल जो है वो चट्टानों के टुकड़े हैं, मेनली रॉक्स के फ्रैगमेंट्स हैं। जब ये फ्रैगमेंट्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं धरती पे तो ये एक सोइल का स्केलेटन मतलब सोइल को बनाते हैं। बट ये जो सोइल है इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जो सोइल हमारे लिए ये बहुत सोइल जो है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोइल अगर नहीं होगी तो मोस्टली प्लांट्स हैं वो नहीं ग्रो करेंगे, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो अब हम ये देखना है कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल कैसे फॉर्म होती है। सोइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और डिस्टिंग्रेशन ऑफ रॉक। जो सोइल है हमारी चट्टानों के बहने से, चट्टानों के ख़त्म होने से रॉक्स बनती है, चट्टानों के ब्रेक डाउन होने से। सेडिमेंट्री रॉक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल की फॉर्मेशन के लिए जो रॉक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो ये चट्टाने हैं कैसे ब्रेक डाउन होती है? सन की हीट की वजह से, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी जो चीज़ें हैं ये वेदरिंग ऑफ रॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों के ब्रेकडाउन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? देखिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सन जो हमारी रॉक्स है वो एक्सपेंड करती है और या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, मतलब फैलती है या फिर सिकुड़ती है सन की हीट की वजह से, जिसकी वजह से सन क्या होता है कि जो रॉक्स है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वाटर, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेन होती है, तो जो दरारें हैं उनमें वाटर फिल हो जाता है, और विंटर जब होती है तो विंटर में ये पानी जो है फ्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम मतलब जो पानी स्पेस लेता है और बर्फ़ स्पेस लेगी वो मतलब उसकी वॉल्यूम है फ्रीजिंग वाटर की वो बढ़ जाती है। और जब इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है तो एक प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर जिसकी वजह से रॉक ब्रेक डाउन हो जाती है। ड्यूरिंग हैवी रेन द ब्रोकन पीस ऑफ रॉक्स, और जब हैवी रेन्स होती है तो जो ब्रोकन पीस है रॉक के वो पानी के भाव के साथ नीचे आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और छोटी छोटी बॉल्स का रूप ले लेते हैं। और हिली रीजन्स, पहाड़ी एरिया के अंदर मोस्ट ऑफ दीज बोल्डर एंड ग्रेवल आर कैरिड अवे बाय रिवर वाटर। और हिली रीजन्स में ये जो बोल्डर है, ये जो छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये रिवर वाटर के द्वारा कैरी करके ले जाए जाते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स लैंडस्लाइड कैरी द स्मॉल बोल्डर एंड मड डाउनवर्ड विच फ्लो अलोंग विद रेन वाटर। हैवी रेनफॉल्स के दौरान क्या होता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। कई बार पहाड़ों से जो है वो पत्थर, जो रॉक्स मिट्टी के मतलब पत्थर जो हैं वो गिरने लगते हैं, वो पानी के भाव के साथ बहा लिए जाते हैं। अब है प्लांट्स। रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन हिल्स पेनिट्रेट द स्क्रीविक्स ऑफ रॉक्स एंड मेक द रॉक लूज। जो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पौधे होते हैं वो भी रॉक्स के अंदर दरारें डाल देते हैं, जिस वजह से रॉक लूज हो जाती है। जैसे कि लाइकन ग्रो करता है रॉक्स के ऊपर और ये उस सरफेस को काफ़ी सॉफ्ट बना देता है। सैंड फ्रॉम द आउटर ऑफ दिस रॉक, जो सैंड होती है इसके आसपास की एरिया की, वो वाइंड के द्वारा बहाल के ले जाई जाती है। केमिकल एक्शन, वाटर रशिंग डाउनवर्ड डिजोल्व। जब जैसे जैसे वाटर जो डाउनवर्ड्स आता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है जिससे कि कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, और विच लाइमस्टोन ऑफ द रॉक, और जो लाइमस्टोन्स होता है रॉक के अंदर वो क्या बनाता है, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। जो वेदरिंग ऑफ रॉक की जो स्लोप, जो ये रॉक्स हैं इनका मतलब ब्रेक डाउन होना, इनका अपक्षय होना
बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये लगातार होती रहती है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल्स के कितने टाइप्स होते हैं सॉइल पार्टिकल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होती है? ये जो सॉइल है इसके पार्टिकल काफ़ी स्मॉल होते हैं, 0.002 mm के हो सकते हैं या फिर इससे भी छोटे होते हैं। मतलब ये इस सॉइल के पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं। और ये वाली जो सॉइल है वाटर रिटेंशन कैपेसिटीज़ की अच्छी है, मतलब कि वाटर को, काफ़ी ज़्यादा वाटर को ये होल्ड करके रख सकती है। और इसके अंदर एयर भी बहुत कम होती है इन सॉइल पार्टिकल के साथ। जब हम इस तरह की सॉइल से बॉल बनाते हैं या कुछ भी शीट बनाते हैं तो एक प्लेन बिल्कुल अच्छे से बनती है, कहीं पर भी कोई गैप नहीं दिखता। ये जो क्ले सॉइल है इसको हम पॉटर सॉइल भी कहते हैं, जो मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं वो इस सॉइल से बनाए जाते हैं। पॉटर जो हैं वो इसका यूज करते हैं। सिल्ट जो इन सॉइल का सॉइल पार्टिकल का साइज है वो 0.002 mm से 0.2 mm के बीच होता है। ये वाली जो सॉइल है ये क्ले सॉइल की तरह ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बीच की ही है। रिवर बेड्स कंटेन सिल्ट, जो रिवर बेड्स का मतलब है जो नदी के बिल्कुल तली होती है वहाँ पर ये वाली सॉइल काफ़ी मिलती है, चिकनी होती है वैसे ये, बट क्ले सॉइल जितनी नहीं होती। सैंडी सॉइल, दस ये वाली जो सॉइल है नदी के रिवर बैंक्स के आसपास मिलती है, नदी के किनारे। और जो साइज है इन सॉइल पार्टिकल को बड़ा होता है, 0.2 mm से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और क्ले पार्टिकल्स जो है इसमें बहुत कम होते हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी सूख जाती है, एयर स्पेस ज़्यादा होता है इसके अंदर। उसके बाद है लोमी सॉइल। इस सॉइल के अंदर सैंड होती है, सिल्ट होता है, क्ले पार्टिकल, मतलब मिक्सचर सी होती है ये सॉइल। और इसका जो साइज होता है 0.002 mm से ज़्यादा होता है, लेकिन 0.2 mm से कम होता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी एवरेज होती है, ज़्यादा भी नहीं होती कम भी नहीं होती। द सॉइल कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होती है इस सॉइल के अंदर। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, मतलब हर तरह की इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं। इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस सॉइल की, इसको हम बेस्ट सॉइल कह सकते हैं किसके लिए, क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए, वेजिटेबल उगाने के लिए। इसके बाद है अदर टाइप्स ऑफ सॉइल इन आर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स कंटेंट। मेनली 3 or 4 टाइप्स की सॉइल है हमारे कंट्री में। सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। इट इज फॉर्म्ड बाय द डिस्टिंग्रेशन ऑफ सैंडी रॉक्स। ये जो सॉइल है कैसे बनती है? सैंडी रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से। ये लाई जाती है हिमालयस की तरफ से, मतलब इसको लाया जाता है प्लेन्स, जो नॉर्थ इंडिया है हम जहाँ पर रहते हैं वहीं लगा लो, हम नॉर्थ में रहते हैं, जो समतल इलाके हैं हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल है जिसके अंदर ह्यूमस अच्छी मात्रा में होता है। और ये किसके लिए बेस्ट है? वीट, राइस और शुगर केन को ग्रो करने के लिए हमारे जहाँ जो सॉइल मिलती है ये बेस्ट है। उसके बाद है रेड सॉइल। इसका रेड कलर जो है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और इसकी फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है वो जो है एलुवियल सॉइल के कंपैरिजन में कम है। तो इस सॉइल्स के अंदर हम, अगर हमें क्रॉप्स उगानी है, फसलें वगैरह उगानी है, तो हमें फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह ज़्यादा डालनी पड़ती है। तंबाकू, ग्राउंड नट्स और मिलेट्स ये सब इस सॉइल में उगाए जाते हैं। कहाँ मिलती है ये? मोस्टली मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर रीजन में। उसके बाद है लेटराइट सॉइल। ये ब्राउन कलर की होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ग्रेवल और कुछ स्टोन्स के पीसिस होते हैं लाइक रेड सॉइल। ये भी रेड सॉइल की तरह ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। ये किस लिए सूटेबल है? फ्रूट्स वगैरह उगाने के लिए और टी और कॉफ़ी वगैरह के प्लांट्स के लिए ये सूटेबल है।
उसके बाद है हमारे पास ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल। ये सॉइल ब्लैक कलर की होती है, इसके अंदर मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं। ये सॉइल किस कौन सी रॉक्स ब्रेक डाउन होने की वजह से बनती है? बैलास्टिक रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से बनती है। और ये जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है इस सॉइल की, वो एवरेज है। इट इज़ सुटेबल फॉर, ये किस लिए सुटेबल है? कॉटन और शुगर केन को ग्रो करने के लिए। तो बेटा इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।